फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। नए मोटर व्हीकल एक्ट ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। ऐसा जुर्माने की धनराशि कई गुना कर देने के कारण हुआ है। जुर्माना इतना ज्यादा है कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी इसकी हास्य और व्यंग्य के जरिए खासी मजम्मत की जा रही है। एक देश एक विधान का नारा देने वाली भाजपा की केंद्र सरकार के लिए ही उसका ये नया कानून उसके ही गले का फंदा बन गया है। विपक्षी तो दूर, स्वयं भाजपा शासित प्रदेशों ने ही कानून में संशोधन कर जुर्माना राशि को ही घटा दिया। 1 सितंबर से लागू हुए इस कानून के तहत हजारों की राशि के चालान काटे जा रहे हैं। इस बीच हंसी की बात यह है कि इतना पुलिस वाले आम जनता का चालान नहीं काट रहे जितना कि आम जनता पुलिस वालों को बाइक पर बिना हेलमेट के जाते हुए देख फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है। 1 सितंबर से लागू हुए कानून के तहत हजारों की राशि के चालान कटे, लेकिन राज्य सरकारें इससे सतर्क हो गई। कई राज्य सरकारों ने कानून में संशोधन कर जुर्माना राशि को ही घटा दिया और इन राज्यों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के राज्य ही अव्वल हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस नए कानून के तहत जुर्माना राशि 1000 से बढ़कर 5 या 10 हजार रुपए तक बढ़ा दी गई है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ तो कहीं से 25,000, 50,000 या फिर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूले जाने की खबरें सामने आई। ऐसी भी खबरें हैं कि जुर्माना अत्यधिक होने के कारण उपभोक्ता ने अपनी स्कूटी और बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। इन घटनाओं का असर यह हुआ कि सोशल मीडिया नए कानून पर किए गए तंज से भर गया है। कोई कुछ व्यंग कर रहा है तो कोई कुछ और लिख रहा है। कुछ लोगों का यहाँ तक भी ये कहना है कि यदि लोगों पर भारी जुर्माना लगाया गया है तो सड़कों पर सिग्नल आदि खराब होने की स्थिति में संबंधित विभाग पर भी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। कुछ जगह से ऐसी भी खबरें आई हैं कि लोगों ने बिना हेलमेट लगाकर जा रहे पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी की। लोगों का यही पूछना था कि जब उन पर हेलमेट आदि के लिए इतना मोटा जुर्माना लगा रहे हैं तो वो खुद इस एक्ट का पालन क्यों नहीं करते। संभवतः इस कारण को देखते हुए मेरठ SSP अजय साहनी ने पुलिस कर्मियों से खुद इस एक्ट का पालन करने की सख्त हिदायत दी। इसका पालन न करने पर 51 पुलिस कर्मियों के चालान भी काटे गए। और अब केंद्र सरकार की ओर से तय ट्रैफिक जुर्माने की दरों को हूबहू लागू करने से कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। कई राज्यों ने इससे स्वयं को सहमत ना पाते हुए अधिसूचना जारी नहीं की। अधिसूचना जारी ना होने के कारण पुरानी दर पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। यदि कहीं नया जुर्माना वसूला जाता है तो संबंधित व्यक्ति इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इस पर विपक्षी तो दूर, भाजपा शासित राज्य भी सहमत नहीं है। गुजरात ने तो केंद्र सरकार की ओर से लागू जुर्माने की दरें घटा भी दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दरों को कम करने के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी लिख दिया। हालांकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारी जुर्माने का प्रावधान लोगों की जान माल की हिफाजत ध्यान में रखते हुए किया गया है। फिर भी यदि किसी को दिक्कत है तो राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसले में उठा पटक कर सकती है। उधर कानून के जानकारों का कहना है कि बगैर राज्यों के अधिसूचना के अधिक जुर्माना वसूला जाना पूर्णतः अवैध है। केंद्र और राज्य के बीच गतिरोध खड़ा होने से संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरठ के SP ट्रैफिक संजीव वाजपेयी से जब इस सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अभी प्रदेश स्तर से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लिहाजा पुरानी दरों से ही जुर्माना वसूला जा रहा है। उधर केंद्र सरकार की ओर से कल 63 तरह के मामलों में जुर्माने की नई दरें तय की गई। नई दरों के मुताबिक बिना पंजीकरण के 2-व्हीलर चलाते पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर पहली और दूसरी गलती पर 5,000 और 10,000 जुर्माना लगेगा। पहले ये धनराशि 1,000 रुपये थी। बिना हेलमेट के 2 पहिया चलाने पर 1,000 रुपये देना पड़ेगा। इसके लिए पहले 100 रुपये देने पड़ते थे। बाइक पर 3 सवारी होने पर 100 की जगह 1,000 रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। इसी तरह एम्बुलेंस अग्निशमन वाहनों का रास्ता ना देने पर 10,000 जुर्माने की व्यवस्था है, जबकि पहले ये धनराशि सिर्फ 100 रुपये थी। अब अगर हम संपूर्ण देश की बात करें तो मौजूदा समय में व्हीकल एक्ट में जुर्माने की
चार दरें वसूली जा चुकी हैं। एक तरफ केंद्र सरकार की नई दरें हैं, दूसरी तरफ गुजरात, तीसरी तरफ उत्तराखंड और चौथी तरफ पुरानी दरें। मिसाल के तौर पर अगर नए कानून के तहत बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के किसी का चालान कटता है तो उसे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं जिन राज्यों में नई दरें लागू नहीं हुई हैं वहां पर 500 रुपये देना पड़ेगा। गुजरात में दोपहिया चालकों के लिए 2,000 और अन्य वाहनों के लिए 3,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, जबकि उत्तराखंड में 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। दरअसल उत्तराखंड में बिना डीएल के गाड़ी चलाने पर फाइन 5,000 की जगह 2,500 रुपये कर दिया गया है। केंद्र ने लाइसेंस रद्द होने पर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से 10,000 जुर्माना वसूलने की व्यवस्था की है, जबकि उत्तराखंड में इसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर केंद्र से 10,000 रुपये का जुर्माना केंद्र ने रखा है। उत्तराखंड सरकार ने जहां इसे 5,000 कर दिया है वहां पर राज्य सरकार ने इसे मात्र 1,000 कर दिया। इन राज्यों में नई दरें लागू नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसी बीजेपी शासित राज्यों ने भी केंद्र सरकार की नई जुर्माना दरों को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की है। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए, जबकि दिल्ली, तेलंगाना, केरल, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आदि राज्यों ने केंद्र सरकार की दरों के अध्ययन और पहले जागरूकता फैलाने के बाद की नई दरों पर फैसला लेने की बात कही है। गुजरात के मुखिया विजय रूपाणी ने जुर्माना राशि में कटौती कर कई जुर्मानों में राशि को 90% तक भी घटा दिया है। भारी जुर्माने की इस नई व्यवस्था के बीच देश के 3 राज्यों में जल्द ही चुनाव भी अपेक्षित हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। भाजपा के राजनीतिकारों का मानना है कि नई दरों से किए जाने वाले चालान के कारण चुनाव के वक्त मतदाता भी पार्टी का चालान काट सकते हैं। ये तीनों ही राज्य भाजपा शासित हैं। गुजरात द्वारा दरों में संशोधन किए जाने का रास्ता दिखाए जाने के बाद झारखंड और हरियाणा भी उस तरफ चल पड़े। झारखंड जल्द ही विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर सकता है। वहीं हरियाणा ने अभी 45 दिनों का जागरूक अभियान चलाने की बात कही है। उत्तराखंड ने 90% जुर्माना राशि कम करने का ऐलान कर दिया तो कर्नाटक भी इस पर गहनता से विचार कर रहा है। यानी कुल मिलाकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जुर्माना राशि घटा चुके हैं, जबकि झारखंड विचाराधीन है। हरियाणा में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, कर्नाटक में विचार चल रहा है और उत्तर प्रदेश में अभी लागू नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे इस मुद्दे से जुड़ी और भी अपडेट्स को लेकर। नमस्कार।